हेलो वेलकम गाइस, टुडे वी आर प्लेइंग द गेम बेबी इन येलो अगेन एंड दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 3। सो लेट्स स्टार्ट एंड हियर इज अ नीट। तो लेकर चलते हैं अब इसको और यहाँ पर लगा देते हैं और ये दरवाज़ा ओपन हो जाएगा। जैसा कि अब ये दरवाज़ा ओपन हो चुका है, चलो अब इसको ओपन करते हैं और यहाँ से जाते हैं अंदर और यहाँ पर देख लेते हैं हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पर ऊपर कुछ तो चढ़ रहा है लेकिन हमें नहीं पता चल रहा। यहाँ पर हमें कोई पिंक की चाहिए होगी इसको ओपन करने के लिए और यहाँ पर हमें कुछ सॉल्यूशन बनाने होंगे जिससे हम इस बेबी को चेंज कर सकें। चलो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कुछ फीडर्स पड़े हुए हैं और यहाँ पर हमें कुछ सॉल्यूशन बनाना है, उसका चार्ट है। तो यहाँ पर देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। इसको टच करते हैं, ये क्या, इसने तो मुझे पकड़ लिया। चलो अब नीट को बुलाते हैं, वो इसको ठीक कर लेगा और इसमें से हमें सॉल्यूशन मिल गया है। अब इस सॉल्यूशन को उठाते हैं। दोस्तों हमने सॉल्यूशन को उठा लिया है, अब लेकर चलते हैं और यहाँ पर इस मशीन में इसको डालते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले देख लेते हैं हमें क्या करना है। यहाँ पर एक ब्लू सॉल्यूशन है और एक रेड सॉल्यूशन, तो रेड सॉल्यूशन इसमें मौजूद है, ब्लू सॉल्यूशन मैंने इसमें डाल दिया है। अब इस लीवर को नीचे करते हैं और देख सकते हैं ये सॉल्यूशन इसमें जा रहा है जार में। और अब इसको ऑन कर देते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं ये सॉल्यूशन बनने जा रहा है। अब यहाँ से हम फीडर ले लेते हैं और इसमें डालते हैं ये सॉल्यूशन। फीडर ले लिया और इसमें सॉल्यूशन मैंने डाल दिया है और ये क्या हो रहा है, लगता है कोई मैजिक होने वाला है। ओह शिट, ये कहाँ से फिर से आ गया। अच्छा हुआ हम बच गए। चलो अब यहाँ से उठते हैं और इस सॉल्यूशन को पिलाते हैं इस बेबी को। चलो अब इसको लेकर चलते हैं और बेबी के पास। और अब इस बेबी को मैंने जब पिलाया और ये देखें बेबी कुछ तो कर रहा है और वो अपने मैजिक से हमें एक की देगा। चलो अब इस की को उठा लेते हैं। ये बेबी यहाँ पर कैसे, चलो इसको यहाँ पर रख लेते हैं और इस की को उठाते हैं। अब इस किचन को हम ओपन कर सकते हैं और आप देख सकते हैं ये किचन ओपन हो गया। चलो अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर तो ओवन है और कुछ नहीं। चलो अब इस व्हील को उठा कर लेकर चलते हैं और ये हमें फिक्स करना है। देखते हैं ये कहाँ पर फिक्स होगा, ये यहाँ पर फिक्स होगा। चलो अब इसको ऑन करते हैं और आप देख सकते हैं ये वैक्यूम की तरह काम करेगा। चलो अब इस बेबी को उठाते हैं लेकिन पहले यहाँ पर देख लेते हैं किचन में हमें क्या मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है इमरजेंसी, जब ये बेबी स्टॉप नहीं होता तब इसके मुँह में ये डालना पड़ता है। और हमें इस व्हील को ओपन करना है और ये वैक्यूम के ज़रिए ये शायद अंदर जाएगा। चलो करके देखते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ से वापस आ गया। चलो अब बेबी को ट्राई करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर ग्रीन कलर की है जो हमें लानी है और यहीं पर ब्लैक कैट है और ये दरवाज़ा यहाँ से ओपन होगा। चलो अब इस बेबी को लेकर चलते हैं और इस व्हील को ओपन करते हैं और ये बेबी चला गया इस वैक्यूम के ज़रिए। और अब देखते हैं ये बेबी की लेकर आता है या नहीं, ये तो नहीं लेकर आया। मुझे लगता है वो हमें सीरम यहाँ पर यूज़ करना होगा जो हमने सॉल्यूशन बनाया था। चलो अब इस सॉल्यूशन को इसमें भर लेते हैं और अब लेकर चलते हैं इस बेबी के पास। और आप देख सकते हैं ये फिर से बेबी इस वैक्यूम में चला गया और अब मुझे लगता है ये की हमें मिल जाएगी। यस, हमें की मिल गई। चलो अब इस की को उठा लेते हैं और अब इस डोर को ओपन करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ये डोर ओपन कर दिया। चलो अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है। यहाँ पर कुछ बुक्स पड़ी हुई हैं और यहाँ पर मुझे लगता है फिर से न्यूट को लेकर आना पड़ेगा, ये पता नहीं कहाँ चला जाता है। चलो अब इसको लेकर आते हैं, ये रहा न्यूट। चलो अब इसको लेकर चलते हैं और इसको यहाँ पर लगा देते हैं। ये तो यहाँ पर फिक्स नहीं हो रहा।
कुछ और सोचना पड़ेगा। चलो अब इसको फिर से यहाँ पर लगा देते हैं, लेकिन ये नहीं लग रहा। यहाँ पर तो हर जगह बुक्स पड़ी हुई हैं, पता नहीं क्या करना है हमें। चलो अब यहाँ से ऊपर जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या करना है। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। चलो अब नीचे आ गया हूँ मैं और इस बेबी को उठा लेते हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर सर्चिंग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे बुक्स और पेजेस पड़े हुए हैं, और यहाँ पर तो हमें कुछ करना है। ये रहा कोई प्लग, चलो अब इसको ऑन कर देते हैं, और मुझे लगता है अब हम इस न्यूट को यहाँ पर रख सकते हैं। ये बुक्स कौन फेंक रहा है, ये बेबी के काम है, न्यूट ये रहा। चलो अब इस न्यूट को लेकर चलते हैं और यहाँ पर इसको लगा देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बटन ऑन किया तो न्यूट यहाँ पर, और ये देखें ये सीढ़ी खुद ब खुद घूम रही है न्यूट को लगाने से। चलो अब यहाँ पर देखते हैं हमें क्या करना है। पहले न्यूट को यहाँ से निकालते हैं। ओह शिट, ये तो बेबी परेशान कर रहा है हमें। चलो ये मैंने जैसे न्यूट यहाँ से निकाला तो ये सीढ़ी यहाँ पर आ गई। चलो अब ऊपर चढ़ते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें कुछ क्लू मिल गए हैं, और कुछ पेजेस पे कुछ शेप्स बने हुए हैं, पता नहीं है क्या करना है हमें। चलो देखते हैं अब। और यहाँ पर भी मेरे ख्याल से जहाँ पर कैंडल्स पड़ी हुई हैं, कुछ तो करना है हमें। चलो अब इस न्यूट को यहाँ पर लगा देते हैं, और एक कैंडल यहाँ पर है। चलो जैसे यहाँ पर आती है सीढ़ी तो अब हम ऊपर जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है। तो यहाँ पर एक कैंडल है, और यहाँ पर भी एक शेप हमें मिल गई है। ये मेरे ख्याल से कुछ कोर्ट्स हो सकते हैं, और यहाँ पर एक डोर है। ये न्यूट फिर से कहाँ चला गया, चलो अब इसको लेकर आते हैं। ये पता नहीं कहाँ चला गया, ये मुझे नहीं मिल रहा, ये रहा। चलो अब इसको उठाते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं, और आप देख सकते हैं ये सीढ़ी फिर से गोल घूमने लगी। और अब चलते हैं ऊपर, और यहाँ पर देखते हैं इस गेट के सामने हमें क्या करना है। मेरी बात बिल्कुल सही निकली, यहाँ पर हमें कॉर्ड लगाने हैं। जो हमें पेजेस मिले हैं वो कॉर्ड्स हैं, और हमें वो यहाँ पर यूज़ करने हैं। चलो अब नीचे आते हैं और दूसरे पेजेस फाइंड करते हैं, जिसमें हमें कुछ और शेप्स मिल सकती हैं, और वो कॉर्ड्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस गेट को ओपन करने के लिए। इस बुक को हटाया तो मुझे लगता है यहाँ पर एक कॉर्ड होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक और कॉर्ड है, और यहाँ पर भी बुक्स हैं। चलो अब इसको हटाते हैं, और यहाँ पर भी एक कॉर्ड है। चलो हमें चारों कॉर्ड मिल चुके हैं, तो एक और फाइंड कर देते हैं। मुझे लगता है ये चार कॉर्ड लगने थे या पांच कॉर्ड थे, पांच कॉर्ड थे। चलो अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर तो कोई कॉर्ड नहीं है। चलो देखते हैं फिर भी, एक ये कॉर्ड हो गया, और दूसरा दो ऊपर हैं और एक साइड में है, तो चार कॉर्ड हैं हमारे पास। चलो अब चलते हैं और कॉर्ड्स को लगाते हैं। चलो अब मैंने कॉर्ड देख लिए हैं, एक ये कॉर्ड है, और दूसरा यहाँ पर एक और कॉर्ड है, और यहाँ पर एक है, और एक ये। चलो अब ऊपर जाते हैं और कॉर्ड्स लगाते हैं और इस गेट को ओपन करते हैं। जैसा कि आप कॉर्ड देख सकते हैं, लाइन वाइज आपने कॉर्ड लगाने हैं। एक कॉर्ड यहाँ पर है, चलो अब इसको लगाते हैं। ये शेप थी ये, और यहाँ पर एक और कॉर्ड है, चलो अब इसको लगाते हैं। लेकिन पहले यहाँ से स्टार्ट करना होगा हमें। चलो अब इस कॉर्ड को लगाते हैं, इसके सामने ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड देखते हैं कौन सा है। हाँ यही कॉर्ड है, चलो अब यहाँ पर लगा देते हैं। ये कॉर्ड सर्कल में है, चलो अब इस कॉर्ड को लगाते हैं। और यहाँ पर मेरे ख्याल से शिप की तरह कॉर्ड है, एक एरो टाइप है। चलो अब इस कॉर्ड को मैंने लगा लिया, और ये गेट ओपन हो गया। चलो अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर हमें क्या मिलता है। यहाँ पर तो कुछ और ऐसा कुछ नहीं है। चलो अब यहाँ से नीचे जाते हैं,
ओ शिट, इस बेबी ने हमें धक्का दे दिया और हम नीचे गिर गए। चलो अब यहाँ पर देखते हैं इस रूम में हमें क्या करना है। और ये देखें, ये बेबी खुद ब खुद इस सीट पे बैठ गया पता नहीं कैसे। और यहाँ पर एक कैमरा मौजूद है, इसका हमें पता नहीं क्या करना है। और यहाँ से एक लेंस बाहर आ गया कैमरा से। चलो अब इस कैमरा को यूज़ करते हैं। यहाँ पर नो फिल्म का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। और ये क्या, यहाँ पर तो कुछ कलरफुल है ही नहीं। अब यहाँ से कैमरा फिल्म उठा लेते हैं और इसको यहाँ पर लगा देते हैं। अब हमारी कैमरा चालू हो गई, अब इसको कैप्चर करते हैं। चलो अब इसको लेकर चलते हैं और इसको हमें यहाँ पर इस लिक्विड में डालना है, जैसे ये पिक्चर जो है वो सेट हो जाए। लेकिन हमें यहाँ पर डोर क्लोज करना है, बिल्कुल अंधेरा करना है। चलो अब इस फ्रेम को हम इसमें डाल देते हैं और देखते हैं अब क्या होता है। और आप देख सकते हैं ये पिक्चर बन गई। चलो अब इस फ्रेम को फिर से उठा लेते हैं और इसको फिर से इसमें डालते हैं और देखते हैं अब क्या होता है। अच्छा, हमें फिर से एक और कैप्चर करना है। चलो अब इस लेंस को फिर से लेकर चलते हैं और इसको इसमें डालते हैं। चलो अब कैमरा कैप्चर करते हैं, अब हमें क्या करना है देखते हैं। शायद इस लेवर का कैप्चर करना था हमें। चलो अब इसको भी, इस पहले दरवाज़ा क्लोज करते हैं और इसको इसमें डालते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी बन गई। चलो अब इसमें डालते हैं इसको और मेरे ख्याल से पिक्चर बन गई है और लेवर दिखाई देने लगा है। चलो अब इसको फिर से लेकर चलते हैं और देखते हैं अब क्या करना है और किस चीज़ की कैप्चर करनी है। पहले लेवर को नीचे कर देते हैं और आप देख सकते हैं ये नीचे आ चुका है। और यहाँ पर एक प्लांट है, मुझे लगता है इसकी कैप्चर करनी पड़ेगी हमें तस्वीर। अब इसकी कैप्चर करते हैं, कैमरा फिल्म इसमें हमने डाल दी है। और अब इस प्लांट को आप देख सकते हैं, हमने इसको भी कैप्चर कर दिया है। अब इसको इसमें डालते हैं, लेकिन पहले डोर को क्लोज कर देते हैं। अब इसमें डालते हैं लिक्विड में और आप देख सकते हैं ये तैयार हो गई। अब इसको इसमें इंसर्ट करते हैं और हमारी पिक्चर रेडी हो गई। चलो अब इसको लेकर चलते हैं बाहर। ये कहाँ गई? लो भाई, हमारा काम हो गया। अब इस डोर को ओपन करते हैं और ये देखें, ये प्लांट से हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा। चलो न्यूट को बुलाते हैं और उसने हमारा इश्यू सॉल्व कर दिया और हमें एक सॉल्यूशन मिल चुका है, ग्रीन सब्सटेंस है। चलो अब इसको लेकर चलते हैं और उस मशीन में डालते हैं। अब इस ग्रीन सब्सटेंस को हमने इस सॉल्यूशन में डाल दिया है और इस लेवर को नीचे करते हैं। और आप देख सकते हैं ये सॉल्यूशन इस जार में आ गया है। पहले हमने रेड सब्सटेंस यूज़ नहीं किया था, पहले ब्लू किया था, अब रेड यूज़ करते हैं। और अब इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। इस बुक में हमने देख लिया था कि हमें कैसे सॉल्यूशन बनाना है। चलो अब इसको इसमें फिल करते हैं और ये बन गया लिक्विड। अब इस बेबी को पिलाते हैं। ये क्या, ये बेबी क्या बन गया? ये तो मोटा सा बन गया। चलो अब इसको लेकर चलते हैं और इसको इसमें डाल देते हैं, जैसे वो वहाँ पर मेन गेट में पहुँच सके। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पर पहुँच गया। और ये देखें, हम कहीं और आ चुके हैं। ये पता नहीं कौन सी जगह है और हमें यहाँ पर क्या करना है। चलो देखते हैं पहले इसको, यहाँ पर हमें क्या करना है। यहाँ पर एक प्लांट है और न्यूट को बुलाते हैं और इसमें से सब्सटेंस ले लेते हैं। और ये क्या, इस बेबी को तो हमें यहाँ से भगाना होगा। चलो अब इसको यूज़ करते हैं, इसमें हम डालते हैं और अब इसको चलाते हैं। ये बेबी को लगेगा और ये बेबी अनकॉन्शियस हो जाएगा। चलो अब इसको लेकर चलते हैं और इसमें इसको डालते हैं और यहाँ से भगाते हैं इसको। चलो इसको मैंने इसमें डाल दिया और अब इसको भगाते हैं यहाँ से। और ये देखें, ये जा चुका है बेबी। चलो अब यहाँ से जाते हैं और प्लांट से हम सस्टेन ले लेते हैं और न्यूट को बुलाता हूँ और न्यूट आ गया।
और आप देख सकते हैं हमें सॉल्यूशन मिल चुका है, ये एक पर्पल सॉल्यूशन है। चलो अब इसको लेकर चलते हैं, ये देखें ये क्या बन गया है इधर। चलो अब जाते हैं अंदर, और ये क्या, ये बेबी यहाँ पर कैसे आ गया? ओह शिट, ये बेबी मॉन्स्टर फिर से आ गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर नंबर 3 का, दी एंड।